देश का पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पांडिचेरी में इस्टेब्लिश किया गया था, और आज हमारे देश में लगभग 700 से ऊपर कृषि विज्ञान केंद्र हैं। उन्हीं में से एक कृषि विज्ञान केंद्र जागधार में है, और आज वहाँ के डॉक्टर संजय सर से हम मुलाकात करेंगे और वहाँ आजकल किस प्रकार से अभिनव कार्य किए गए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठंडा लग रहा है, हम समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पे आ रखे हैं और मेरी ठंड से हालत ख़राब हो रही है। यहाँ पे मेला लगता है जागधार में, दो गति बैसाख के महीने में, और तब तो यहाँ मस्त रहता है, हुआ जलेबी बनती है और यहाँ दुकानें लगी रहती है। ये कृषि विज्ञान केंद्र है जागधार, हम अभी यहीं कोई किसी डिस्कस करने के लिए आ रखे हैं यहाँ के साइंटिस्ट के साथ, क्योंकि हमें सब्जी लगानी है और हमें खेत में सब्जी और आलू पालक मटर और बहुत सारी चीज़ें, कीवी के पेड़, तो हम मीटिंग करने के लिए आ रखे हैं अभी यहाँ पे। और हमारे साथ में है पत्रकार विपिन सेमवाल जी, और ये तो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, इसने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखा है। लेकिन यहाँ बहुत ठंडा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा, तो आप भी आइए। यहाँ टूरिस्ट पैलेस भी है आगे, बहुत अच्छा है यहाँ KVK के, आइए KVK है और आगे हमारा नवोदय विद्यालय है, तो आप लोग भी आइए। सर्दियों के मौसम में जब यहाँ बर्फ़बारी होती है तो मस्त टूरिस्ट पैलेस है यहाँ, और आनंद लीजिए बर्फ़बारी का। अभी अभी सामने बर्फ़ पड़ी हुई है, कुछ दिनों में यहाँ भी बर्फ़ गिर जाएगी। वेलकम टू KVK, आपको ले जाते हैं KVK ग्राउंड में, जहाँ की काम चल रहा है, इन लोग पेंटिंग का काम कर रहे हैं यहाँ पे, और अपने पता नहीं किसी काम के लिए कर रहे होंगे KVK। और ये सामने पॉली हाउस है, यहाँ फ्लावर्स रहते हैं, फ्लावर्स भी यहाँ पे अंदर रखे हुए रहते हैं। और ये सामने मशरूम का इकाई है शायद, हाँ इधर मशरूम का करते होंगे कुछ, को बहुत खूबसूरत है। यहाँ ये लोग लोग बाइक पार्क कर रखी है, और सामने हमारे स्टाफ है। हमने एक इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि जाड़े के मौसम में चूंकि बाहर हो नहीं पाती है गोभी, तो हमने पॉली हाउस में करने की इसको कोशिश करी है। एक वैरायटी हमने आइडेंटिफाई करी है जिसमें आपको नाम दिख रहा होगा, इंडम पूर्णिमा है, और ये करीब 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है और बढ़िया तरीके से। अभिनव प्रयोग हमने ये किया है कि हमने इसी बीच में ये प्याज की नर्सरी आप देख रहे हैं ना, इसको लगाने की कोशिश करी है, और हम बहुत अच्छी तरह से सफल हुए हैं कि एक साथ दो फसलें चल सकती हैं, क्योंकि प्याज अभी एक महीने में ख़त्म हो जाएगी, तब तक गोभी अपनी पूरी बढ़वार लेगी नहीं, तो किसान एक साथ दो फसल बड़े आराम से कर सकता है। और चूँकि प्याज की नर्सरी बड़ी फायदेमंद है, हमने नासिक रेड N53 ली है। इसमें खास बात यह है इस प्रजाति में कि इसमें बोल्टिंग नहीं होती, बोल्टिंग का मतलब है इसमें फूल नहीं आता है और नीचे से उसमें बंचिंग नहीं होती है, तो किसान चाहें तो इस तरह से अपने पॉली हाउस में, जिन किसानों के पास पॉली हाउस है उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ की खेती कर सकते हैं। कीवी हमारे दर्शकों को या हमारे कितने भी किसान भाई हैं उनको, जैसे कीवी लगाना है, कीवी का प्लांटेशन करना है खेतों में अपने, तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से जैसे कैसे कीवी को लगाएं, कितने रुपए में कीवी का पौधा मिलेगा, और हमें यहाँ KVK से कितना पर्याप्त हो पाएगा कीवी का पौधा, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। बिल्कुल आपने सही पूछा है। कीवी का जैसे आप ये पौधा देख रहे हैं तो 4 मीटर के अंतर पर लगा है जी। और यहाँ से हमने भी 4 से 6 मीटर के अंतर पर रखा है जी। तो इस समय कृषि विज्ञान केंद्र में जो बिक्री योग्य 2 प्रजातियां हैं, हेवॉर्ड और एलिसन, बाकी 3 प्रजातियां और हैं हमारे पास, तोमड़ी है, एबट है और मोंटी है, वो अभी हमारे पौधे छोटे हैं तो बिक्री योग्य नहीं है। इसके लिए सबसे पहले जब आपको लगाना है तो समतल जगह होनी चाहिए, और किनारे अब जो आपका खेत का किनारा है उससे अगर आप 1 मीटर की जगह छोड़ देते हैं, तो 1 मीटर की जगह छोड़ने के बाद आप 4-4 मीटर के डिस्टेंस पे गड्ढा कर लीजिए, और गड्ढा करने के बाद एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गड्ढा आपका अप्रॉक्सीमेटली 2 फुट गहरा होना चाहिए जी। 2 फुट जब गहरा आपका गड्ढा होगा तो उसके बाद फिर आप उसमें गोबर की खाद डालेंगे और बढ़िया तरीके से उसको मिट्टी से मिलाएंगे और फिर उसको भर देंगे उसमें। उसके बाद आपको जाड़े के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में, जाड़े के मौसम में जो आप पौधा लगाएंगे वो आपका 2 साल पुराना होना चाहिए,
क्योंकि ये देखा गया है कि अंदर से तना इसका खोखला होता है तो बहुत जल्दी इसकी कटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है। तो अगर एक साल पुराना पौधा ले रहे हैं तो उसमें आ जाता है ये, तो ये सक्सेसफुल नहीं होता। दो साल पुराना पौधा लेंगे, जड़ विकसित उसकी हो जाती है तो फिर पौधा आपका चल जाएगा। एक चीज़ और अनुपात देखना पड़ता है, परागण इसमें देखना पड़ता है। तो परागण के लिए आपके 3 मादा पौधे होने चाहिए और 2 नर पौधे होने चाहिए। तो इसी हिसाब से लगाना है कि आपने एक ऑल्टरनेट करके आपने लगा दिया और फिर उसको आप बढ़ाते चले गए। तो शुरुआत में तो यही चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है। साल में 2 बार इसमें बड़े सड़े हुए गोबर की खाद देनी है जिससे बढ़वार बड़ी अच्छी होती है। और आप देख रहे हैं ये हमारे 5 साल पुराना बगीचा है और 5 साल पुराने बगीचे में हर मादा पौधे पे तकरीबन हमारे 100 से 150 फल आते हैं। डॉक्टर अंकित, अब ये भी हमको हाँ। कई चीज़ों की जानकारी देंगे। बताएं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि कीवी के पेड़ को हम कैसे लगाएं, कैसे पौधारोपण करें और कैसे किस तरह से हम उसको विस्तारित करें अपने खेतों में किसान भाइयों के लिए, तो हम आपको विशेष ये बताने के लिए, ये सिखाने के लिए कि हमारे जो खेत हैं और लोग बहुत परेशान हैं बंदरों से कि कौन सी खेती करें कौन सी खेती करें, तो विशेष तौर पे ये खेती जो हमारे कीवी के प्लांट हैं तो इन्हें बंदर और कोई भी जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते। तो आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक अपने खेतों में, चाहे आपके बंजर खेती हो चाहे आपकी कृषि योग्य खेती हो, आप वहाँ नीचे से भी कीवी लगा सकते हैं। जैसे बीच में हमने ऊपर की साइड धान वगैरह बो दिया और साइड साइड में हमने कीवी लगा दिया। और ये जो ये ब्लॉग बन रहा है, आपसे निवेदन है कि जिसके पास भी यह ब्लॉग पहुँचता है उसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि अधिक से अधिक हमारे जो किसान भाई बंधे जो काश्त कर रहे हैं, जो अमूमन जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनको जो है आपको सहयोग प्रदान जी। इस चीज़ के बारे में बता दिया है कि इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। और कीवी के पोषण की बात करें तो अभी जैसे कोरोना का समय भी चल रहा था तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी सिस्टम की बात कर रहे थे हम, तो कीवी जो हमारा फ्रूट है विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है ना, तो कीवी की न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। और साथ में देखे तो अभी बताया मैडम ने कि जो बंदरों का प्रकोप है पहाड़ों में, कि हमारे सारे किसान भाइयों का जब भी फलों की बात आती है तो बंदरों का प्रकोप सबसे बड़ी समस्या है। तो अभी तक टिल डेट कीवी में बंदरों की समस्या नहीं है और ये अन्य शीतोष्ण फलों की तुलना में बीमारी रहित है। तो कीवी अपने आप में किसानों के लिए काफ़ी लाभप्रद है। और अभी पिछले कुछ 2 हफ्ते पहले हमने इसकी फलों की तुड़ाई कर दी है और अब इसके जैसे ही पत्ते झड़ते हैं तो हमारे इसका प्रूनिंग का कटाई छटाई का काम होगा। उसके बाद ही हमारे इसमें पौधे तैयार होंगे जो कि नेक्स्ट ईयर हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध हो जाएंगे। होने वाले नहीं हैं और हम आपके साथ तो पूरे 2-3-4 साल जितने भी आप यहाँ पे रहेंगे हम लगातार आपको अपने साथ लेके काम करने वाले हैं और हम पूरा अपने खेतों में कीवी लगाएंगे और जितने भी हमने खेत बेकार कर रखे हैं सब में कीवी वगैरह का काम करेंगे। कीवी में आप ये इसमें देख रहे हो ना स्ट्रक्चर देख रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट है कीवी एक आपका अन्य फलों की तरह एक कोई तने वाला फल नहीं है। इसमें आप मेन तना नहीं देखेंगे, इसमें बेल देखेंगे आप। तो बेल का मतलब ये है कि जिन भी फलों में बेल होती है, जैसे आपने अंगूर में भी देखा होगा, तो उसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो टी शेप स्ट्रक्चर है जिसमें नीचे से एक आयरन रॉड नीचे और एक हॉरिजेंटल ऊपर है। तो ये जो जनरली है 5 से 6 फीट ऊंची होनी चाहिए और ज़मीन से नीचे 1.5 फीट नीचे होनी चाहिए। और इसमें फिर हमने 4 से 5 वायर्स लगाई हुई है जिसमें कि जो कीवी की जो हमारी मेन जो हमारी इसकी जो ब्रांच वो जो हमारी ब्रांचेस इसमें फैलती हैं ना, तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहले साल से जब किसान भाई अगर इसका रोपण करते हैं कीवी का तो पहले साल से इस स्ट्रक्चर को लगा दें ताकि जब उनका पौधा बड़ा हो तो उसको एक फ्रेमवर्क मिल जाए जिससे कि ब्रांचेस उसमें चढ़ सकें। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इसके कितने पानी चाहिए इसको, जैसे स्टार्टिंग में हमने पौधा लगा दिया तो कितना पानी हम नहीं, जैसे कि ये है कि इसमें आपका क्षेत्र के अनुसार इसमें पानी की उपलब्धता के हिसाब से करें। जैसे ग्रीष्मकाल में तो लगभग हर हफ्ते 10 दिन में इसमें सिंचाई करते रहें और वर्षा ऋतु में तो इसमें क्योंकि बारिश होती रहती है तो इसमें जनरली बारिश की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत नहीं है। और शरद ऋतु में 15 दिन के अंतराल में इसमें या इसमें शीतकालीन उसमें सत्र में 15 से 20 दिन के अंतराल में इसमें सिंचाई करते रहें।